हेलो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस के बारे में। अ सेट ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे मैं दूंगी। इसके पहले ये है हमारी फर्स्ट लेक्चर, जहाँ के थ्रू आज मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका एनेबल सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें आज के दिन में बहुत ही एसेंशियल है। हम सभी घिरे हुए हैं इस सब से, इसके सिवा हम लोगों के एग्जिस्टेंस ही एक क्राइसिस में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, यही सारे लेके आज के हमारे लेक्चर। तो बिना स्किप किए चलिए देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। ये पूरा हमारे जो कोर्स मटेरियल है, वो कोर्स मटेरियल देंगे हम। आज है लेक्चर्स वन, तो ऐसे ही लेक्चर्स वन लेक्चर्स टू चलते रहेंगे। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। नेम के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस। इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी प्रोसेस डेटा जो मीनिंगफुल है, जो हमारे प्रौद्योगिकी को और भी एनरिच कर रहे हैं। अब इसके एनेबल, इसी प्रौद्योगिकी को देख के कोई कोई सर्विसेस हमारे हैं जो हम लोगों को घिरे हुए हैं, उसी को लेके हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसे कि टेली वर्किंग हो जाए, या कोई भी कहीं पे भी आज ये कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, बैंक के रिलेटेड काम, कोई भी बैक ऑफिस ऑपरेशन हो जाए, पे रोल्स हो जाए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो जाए, ये सारे चीज़ें आज की दुनिया में हम लोग ग्लोबली यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज के दिन में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एफिशिएंसी, अपने थ्रूपुट्स इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो इसे ही लेके आज के हमारे पूरे डिस्कशन है। तो डेफिनेशन आई थिंक इट इज़ क्लियर राइट नाउ कि आज हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो जो सर्विसेस हम लोग को मिल रहे हैं, हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसी चीज़ों को किस तरीके से वो हमारे डेली लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें। अब पहला चीज़ समझना है हमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। किसी किसी को ये कन्फ्यूशन रहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस दे बोथ आर सेम। नहीं, कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन पार्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के जो स्टोरिंग है, जो रिट्रीव है, ट्रांसमिटिंग है, वो सारे चीज़ों को हम डीलिंग करेंगे। एक चीज़ बता देना यहाँ पे ज़रूरी है, ये जो आईटी है, ये एक्चुअली टिपिकली बिजनेस पर्पस और किसी भी पर्पस में हम लोग हमारे डेली लाइफ में जो कंप्यूटर के यूजेस है, एप्लीकेशंस है, उसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी को, ऑब्वियसली इसके साथ हार्डवेयर तो जुड़े हुए ही है, हमारे ज़िंदगी को बहुत सारे तरीके से इन्हांस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं, पहले आप किसी भी फील्ड में आप देखिए, वो एकदम मैनुअली था, तो उसका टाइम कंज्यूमिंग थे वो, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफोर्ट देना पड़ता था मैनुअली किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। लेकिन आज ये जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो या मैनुअली कुछ काम को जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, टाइम लेस का टाइम कंज्यूमिंग है। इसी वजह से यहाँ पर मैं एक पिक्चर्स के थ्रू इसे समझाने की कोशिश की हूँ। देखिए, कोई भी ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, उसमें अगर आप BPR इन्हांस कर दे, तो उसके साथ ये IT एनेबल हो जाए, तो हमारा सर्विस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड हो जाएंगे और हमें IT एनेबल सर्विसेज मिलने लगेंगे। IT एनेबल सर्विस में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के साथ एक रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। पहले आप देखिए, कोई चीज़ आप समझने गए हैं, ख़रीदने गए हैं, तो आपको रिव्यू लेने की, कस्टमर्स रिव्यू लेने की कोई ऑप्शंस नहीं था। क्या आप खड़े रहेंगे, कोई भी कस्टमर्स आएंगे, भाई साहब आप ये पहले खरीदे थे, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के दिन में अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ से रिव्यू देख सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका सर्विस क्वालिटी, क्या चीज़ है। आज हम लोगों का IT एनेबल, इन इज एनरिच्ड और जो ट्रेंड
कॉल सेंटर्स के लोग हैं या कोई एक्सपर्ट्स है, वो आपको दूर से ही आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस वजह से आप उसे यूटिलाइज करके अपने एफिशिएंसी, अपने चीज़ों की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब यही सारे चीज़ें जो प्रोसेस एंड सर्विस हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस, आपको कोई दिक्कत हो, कुछ खरीदे हैं तो आपको उस शॉप में फिर से जाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, ये आप नहीं है। आप तुरंत कॉल लगाइए या थ्रू इंटरनेट कनेक्शन कीजिए, बताइए, वो लोग भी आपको उसी हिसाब से डीलिंग्स करते जाएंगे। तो इस हिसाब से ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो गया। इस हिसाब से आपके कोई कस्टमर्स के कोई प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कस्टमर्स आपके लिए गुडविल दे रहे हैं, वो चीज़। नंबर टू, बैक ऑफिस ऑपरेशन, कोई भी डेटा एंट्री हो, हमें अगर मैन्युअली करना पड़ता तो बहुत दिक्कत होता, वो फाइल सेव करना, फाइल को कोई कभी खो जाना, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए है आईटी ने। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज, कुछ भी ट्रांसक्रिप्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो वो सर्विस भी हमारे इनहेंस किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंटेंट डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ आप जब कोई भी GIS यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको एनिमेटेड करके, ज़्यादा कुछ दे के आप अपने हिसाब से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका कंटेंट डेवलप्ड हो रहा है। कोई भी अगर कंपटीशंस आ गए तो आप समझ रहे हैं कि इस हिसाब से हमें इसे इम्प्रूव करना है, तभी ये पॉसिबल है। अदर सर्विसेज ऑल्सो, जैसे कि एडुकेशन, सब में आज ऑनलाइन एडुकेशन चल रहा है, आपको ये जो मैं लेक्चर्स दे रही हूँ ये ऑनलाइन ही दे रही हूँ, ये सारे चीज़ें की सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहा है। अब यही ITES का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, इसी ITES का एप्लीकेशंस है टेली मार्केटिंग में, किसी के हेल्प डेस्क में आप लोग कॉल करके बोल रहे हैं आपके चीज़ को यहाँ से ऐसे यूज़ कीजिए, एक्सपर्ट्स लोग ऐसे बता रहे हैं आपको, उससे सुविधा मिल रहा है आपको। कस्टमर सपोर्ट सेंटर, आप लोग कुछ भी खरीदने के पहले हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है, वो वहाँ से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या देखेंगे या नहीं, वैसे हम लोग देख लेते हैं। फिर डेटा वेयर हाउस, जो भी कस्टमर्स कुछ ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को ये पता ही है, अगर आप कुछ ढूंढे हैं, कुछ सर्च किए हैं, तो उस रिलेटेड एड्स आपके पास आते रहते हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इतने सारे चीज़ें हैं इसमें से आप ढूंढ पा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स है बहुत सारे, GIS मैपिंग, ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग, अगर आपको कुछ चीज़ें आप भेज दिए मैन्युअली, वो कब कोई ले जाएगा आपको पता नहीं था, लेकिन आज के दिन में ये पॉसिबल है कि आप ट्रैक कर पाए, जब भी कोई कोरियर कुछ चीज़ें आपको लिए लाते हैं या आप भेजते हैं तो आप ट्रैक करके कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे यहाँ तक है, इसके बाद इसका पता नहीं चल रहा है, या यहाँ तक पहुँच गया है, अब ये पहुँचने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन एबल टू डिस्ट्रीब्यूट कि इससे चीज़ को इसको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ ओनली बिकॉज ऑफ इसमें हो रहा है हमारे IT एनेबल सर्विस में। अब इसका IT एनेबल सर्विस जो है वो बहुत सारे प्रोसेसों से घिरा हुआ है, हम एक जगह से शुरू करते हैं, ये पिक्चर्स दिखा के दे रहे हैं आपको। बिजनेस सोल्यूशन, ऑब्वियसली मैं तो पहले ही कर रही हूँ, ई बिज़नेस सोल्यूशन कर चुके हैं, आप कोई आपके कंपनी है, आप उसे लोकलाइज रखने के बजाय आज ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। क्यों ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि IT आपको एनहांस कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारे मीडिया है, उसके थ्रू आप ऐड दे सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो बिजनेस सॉल्व हो रहा है। इसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस ला रहा है, ऑब्वियसली आपको जब कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरे कंपोनेंट्स को या मेरे प्रोडक्ट को कुछ इससे ज़्यादा करे तभी मेरा सेल होगा, इन सब के यही है। इससे एक IT इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस ग्रो कर रहे हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट्स में कैसे कैसे क्या हो रहा है सभी जगह में, हम इसके साथ में कहाँ पे कैसे डेटा, सारे जो लोग हमारे कुछ खरीदे हैं तो उस कस्टमर्स के डेटा हम लोग रख रहे हैं, तो उनका कैसा चॉइस है, उस हिसाब से उनको ऐड देना, उस हिसाब से उनको कुछ प्रमोट्स करना कि कुछ ऐसे सर्विसेज, कुछ फ्री ऑफर्स, ऐसे करने से ज़्यादा सेल होता है, तो ये सारे चीज़ें यहाँ से सेल होता है। एक्स्ट्रा हमारे जो एंटरप्राइजेस पोर्टल्स है,
कंटेंट मैनेजमेंट है वो इसी हिसाब से करते हैं, जो हमारे कुछ कॉलेज के सामने सेल होगा वो थोड़ा ही ऑफिस के सामने या कोई ओल्ड एज होम के सामने सेल हो सकता है, तो उस हिसाब से उसे सेल करना पड़ेगा। नेक्स्टली जो माइग्रेशन है, जो री इंजीनियरिंग होता है, इस एक प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आईटी से ही हो सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बाद में इसे समझेंगे और भी। नेक्स्टली कोई टेस्टिंग की ज़रूरत हो तो टेस्टिंग भी हमारे आईटी एनेबल में आज पॉसिबल है। कोई भी जगह में आप भेजिए तो आप वो टेस्ट करके पहले आपको देख सकते हैं, वो सर्विसेज दे सकते हैं, ये सारे चीज़ें पॉसिबल हैं। आज ये जो आईटी एनेबल सर्विस है वो जनरली क्या क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करने के लिए इस आईटी से सिवा और कोई चारा नहीं है आज के दिन में। आप कोई भी सोशल मीडिया जाइए, कहीं पे भी ऐड देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके गुड्स प्रोडक्ट्स एक्सपर्टाइजेशन व्यूज़ कुछ भी बिजनेस आप आउटसोर्स करना है तो आपको आईटी में डिपेंड करना है। नेक्स्टली नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग द सेम थिंग, आपके नॉलेजेस या किसी से आपको नॉलेज हायर करना है तो वो भी आज के दिन में हम लोग ऐसे कि मेडिकल भी हेल्प लेते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है तो कैसा क्या हो सकता है, वो भी थ्रू इंटरनेट हम लोग ये बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज भी ये आईटी एनेबल सर्विस में ही आ गया है। कोई भी बैक ऑफिस ऑपरेशन हो, आपको कुछ डेटा कलेक्शंस करना है तो डेटा कलेक्शंस के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, थ्रू इंटरनेट कोई सर्च इंजन से फॉलो करते हैं, गूगल है हमारे पास। कोई बैक ऑफिस ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से करना है, अच्छा ये डीलिंग्स हो ये कहाँ से ढूंढें, जी हाँ इंटरनेट। कोई लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, आज के दिन में हम लोग लॉयर के पास जाके लॉयर हायर करने के सिवाय जो कंसल्टेंट है थ्रू इंटरनेट उनसे हम लोग डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, कहाँ पे कुछ चीज़ें सेफ्ड है वहाँ से हम लोग अपना कोई गोडाउन यूज़ बिना किए ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ से ही हायर करें, वहाँ से सेल कर दिए, जो कि हमारे आज के दिन में जो मार्केटिंग्स चल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वही कर रहे हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, अपना कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, वहाँ से आउटसोर्स करते हैं। और भी ज़्यादा सर्विसेज सारे इसी तरीके से चल रहा है। नेक्स्टली हम लोग आ रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के आज के दिन में, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं ही, वो तो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे जैसे कंट्री में कैसे है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज़रूर। कोई मेंटेन करना है वर्ल्ड क्लास, तो आप देखिए कोई भी चीज़ें आपको डिलीवरी करना है यहाँ पे बहुत सारे बाइंडिंग्स है, आप डायरेक्ट कोई कंपनी से ख़रीदने आए हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको ये आपके कस्टमर्स के हिसाब से बना के आपको पेश करना है तो वहाँ पे आपको डिलीवरी डेट का रखना चाहिए, किस तरीके से मॉडल्स आप जनरेट कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है या नहीं, बेस्ट स्टोर बेसिस कहाँ पे है, ये सारे चीज़ें आपको ढूंढना पड़ रहा है। नेक्स्टली डेवलप करनी है एंड एक्सपेंड करना पड़ता है एक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सर्विसेज, जो कि आपका एंड सॉल्यूशंस और आखिर तक सॉल्यूशन दे पाए, सर्विस कर पाए आपके क्लाइंट के मार्केटिंग के हिसाब से, क्लाइंट के कौन से चाहिदा है। आज के दिन में देखिए जैसे कि मोबाइल शॉप में लीजिए, बहुत सारे मोबाइल्स बेच रहे हैं तो उसमें से कौन से अच्छे हैं, आप क्वालिटी किस तरीके से अपने इम्प्रूव करेंगे तभी आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। कोई भी स्केलिंग करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी अराइज करना पड़ेगा कि क्या आप दे रहे हैं, क्या आपको सुविधा मिल रहा है, अगर आपको ये मिल रहा है तो इस हिसाब से आप इसे चल सकते हैं। नेक्स्टली कोई जब आप रेवेन्यू, कोई प्रोडक्ट आपको दे रहा है कि 10,000 में तो उसका 9,900 में हम दे दें तो हमारा ये हो रहा है, तो इस वजह से रेवेन्यू मैनेजमेंट भी सही से हो रहा है, इकोनॉमिकली जो डाउन टर्न है वो भी अच्छा है, क्योंकि देखिए कोई भी शॉप आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस चार्जेस फॉर दैट शॉप, उसके इलेक्ट्रिक बिल्स, ये सारे चीज़ें हैं। जहाँ पे आप आईटी एनेबल सर्विस दे रहे हैं तो आप देखते हैं कि जब ई शॉपिंग करते हैं तो उसका प्रोडक्ट प्राइस थोड़ा बहुत रिजनेबल रहता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। नेक्स्ट आप मैनेज एनहांस कर रहे हैं रेट के, किस हिसाब से आपके जितना आप खरीद रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर आपको उन लोगों को ज़्यादा क्यों कर दे रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस हिसाब से डिफरेंट लोगों के पास जा रहा है लेकिन आपके प्रोडक्ट तो बहुत बिक रहे हैं ना, क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है,
आप आपके क्लाइंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिजनेस के डिटेल्स देख पा रहे हैं, वो भी जब खरीद रहे हैं आपके रिव्यू देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का रेटिंग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से एक सुपरवाइज़र है जो आपके सब कुछ ये जो प्रोजेक्ट है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इंश्योर हो रहा है, एक एक्चुअल इंटीग्रेशन हो रहा है जो कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है। ये अंडरटेक कर रहा है कि ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो, ताकि ऐसे कुछ नहीं आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, बहुत कुछ है, लेकिन ये जस्ट इन एरिया, इन लोकलाइज एरिया, ऐसा नहीं, आज ये ग्लोबली है। बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स है जो कि प्रमोट कर रहे हैं हमारे द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ कंट्री लाइक इंडिया और अदर्स। क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो हेल्थ केयर यूटिलिटीज़ है, वह कोई भी चीज़ें जो इमरजेंसी में चाहिए आपको, या कुछ फैसिलिटीज़ हर टाइम, आज के दिन में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अंदर से फैसिलिटी लेने की कर रहे हैं। हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के खर्चे कम है तो उसके ब्रांड्स, उसके सर्विसेज यूएस कंट्रीज़ जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादा डिमांडिंग है, तो उस डिमांड को हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे है, जस्ट लाइक इंडिया लाइक कंट्री, दोज आर डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे। नेक्स्ट, हम लोगों का गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से ही कर रहे हैं कि ICT एडेप्टेशन करे सारे जगह में। आप देखिए आज हमारे डिजिटाइज्ड है, तो डिजिटाइज्ड होने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन इसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम लोग ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं सारे जगह में, जैसे कि हमें कोई भी फिनंशियल ट्रांजेक्शन हो, या किसी भी मार्केटिंग हो, किसी भी सेल हो, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी उसी तरीके से उसे अडोप्ट करने के लिए उस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है। तो क्लाइंट्स इम्प्रूव कर रहे हैं, हाई वैल्यूज ऑफ क्लाइंट्स हो रहा है, कहीं पे भी जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग मोबिलिटी आ रहे हैं, जो डेटा हमें कस्टमर से मिल रहा है या किसी भी जगह से किसी क्लाइंट्स के मिल रहा है, तो उसको हम लोग रख रहे हैं, उसको हम लोग यूज़ करके डिफरेंट एरियाज़ में। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ इसी डेटा को डील्स करते हैं, वो किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कैसा उनके चॉइस है, उसी हिसाब से, या किस कौन से एरिया में आप सेल कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो चीज़ सेल कर पाएंगे दिल्ली में शायद वो सेल नहीं होगा, इसी तरीके से। नेक्स्ट वन, द R&D रिसर्च सेल हर एक के कंपनी के अंदर में आज है, क्योंकि हर एक को जानते हैं कि आज हमारे मार्केटिंग इन्हेंस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा दें, कोई प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा रहे तो उसे हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें इनहेंस कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ रिसर्च के एरियाज चाहिए। नेक्स्टली क्या चाहिए हमें? कॉस्ट ट्रेंड वर्कफोर्स। सही में अगर आपके हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट को मैच करने के लिए आप एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं या वर्कफोर्स जो आ रहे हैं उनको ही सारे पैसा चला जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप सारे जगह में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आपको कम पैसे में वर्कफोर्स चाहिए। नेक्स्टली हमारे इंडियन गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली ले डाउन कर रहे हैं, लार्ज स्केल ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे कंट्री में और ज़्यादा ICT इम्प्रूवमेंट हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, कोई भी टेली कम्युनिकेशन पोर्टल्स हो तो टेली कम्युनिकेशन पोर्टल्स आज ये पार्शियली हमें प्राइवेटलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए आप जस्ट देख सकते हैं कि कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा सारे कंपनीज़ है, तो इस हिसाब से आपके कौन कौन कितना फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो सारे चीज़ें। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे जितना कम होगा उस हिसाब से। नेक्स्ट, SOP एंड डेवलपमेंट सेल्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है दोस्तों ये ज़रूर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सब तक सबके पास पहुँचे। नेक्स्टली हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में रखे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, देखिए ऐसे ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ आते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
ये एडुकेशनल चैनल है, तो आपको ये वीडियो से अगर कुछ ज्ञान मिला है तो ज़रूर आप देखिए, और इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे साथ एज अ कमेंट शेयर कीजिए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।